हेलो व्यूअर्स, तो आपके सामने है आज हुंडई की वर्ना एसएक्स जो कि नॉर्मल वाला है। तो आज इसका और जो कि टर्बो वेरिएंट है उसका कंपैरिजन वीडियो बना रहा है ये, और यह है टर्बो वाला जो कि वाइट कलर में आप देख रहे हैं वीडियो में, यही वाला। दोनों में क्या डिफरेंट आ रहा है और प्राइस को लेके भी क्या मतलब डिफरेंट है, दोनों में मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नया है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले प्राइसिंग से शुरू करेगा। प्राइस ये नॉर्मल वाला जो वरना है नॉन टर्बो जो कि ब्लैक कलर में आप देख रहा है, इसका एक्स शोरूम प्राइस है 13,11,485 जो कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का, आपको सिटी टू सिटी वेरी करेगा थोड़ा प्राइस, तो इसका प्राइस ये है। और टर्बो वाला का क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। और ये है टर्बो वाला जो कि आप देख रहे हैं वाइट कलर में, इसका प्राइस है आपको 14,98,335 जो कि एक्स शोरूम प्राइस। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रंट टू फ्रंट, बम्पर टू बम्पर एंड इंटीरियर टू इंटीरियर, एक्सटीरियर टू एक्सटीरियर। सबसे पहले फ्रंट से शुरू करेगा, आपको ओवरऑल विड्थ ओवरऑल हाइट सब कुछ तो देखने में सेम ही लगेगा, लेकिन फ्रंट से शुरू करेगा। फ्रंट में सबसे पहले फ्रंट का लुक्स तो आपको सेम ही नज़र आएगा, दोनों में ही सेम है। आपको यहाँ पे एक लंबा सा DRL देखने को मिलेगा जो कि इंडिकेटर जैसे भी काम करता है, एंड यहाँ पे डार्क क्रोम ग्रिल कुछ इस तरह का जो इसमें दिया हुआ है। फ्रंट सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको फ्रंट सेंसर्स चार मिल जाएगा। यहाँ पर इंडिकेटर की लाइट दिया हुआ है, यहाँ पर LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा, ये भी आपको सेम ही मिल जाते हैं फ्रंट का लुक्स ओवरऑल। यह है टर्बो वाला, टर्बो में भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा, DRL हेडलैम्प LED का इंडिकेटर की प्लेसिंग, फ्रंट सेंसर्स, और ये जो कि ग्रिल है डार्क क्रोम ग्रिल, ये भी सेम ही देखने को मिलता है। यहाँ पे हुंडई की सिग्नेचर बेजिंग, ओवरऑल लुक्स तो आपको सेम ही मिलेंगे। तो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा है, तो साइड प्रोफाइल दोनों का ही सेम लगेगा देखने में, लेकिन आपको वाइट पसंद है ना ब्लैक पसंद है वो अपना ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये ब्लैक में जो है ये नॉन टर्बो है वह मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले टायर प्रोफाइल चेक करेगा, टायर प्रोफाइल कितना आता है इसका। टायर आता है आपको अपेलो में देखने को मिलेगा, डायमंड कट एलोवेज के साथ, यहाँ पर हुंडई का सिग्नेचर बेजिंग दिया हुआ है। टायर साइज़ है 205/55 R16 देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और टर्बो में क्या देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, ये है टर्बो वाला, इसका देखता है, इसका एलोविल्स आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल रहा है, ये देखिए एलोविल्स ब्लैक कलर में है, और जो कि ब्रेक क्लिपर ये भी रेड कलर में दिया है ताकि और भी स्पोर्टियर लुक लगे। लेकिन टायर प्रोफाइल कितना है देखते हैं, टायर तो सेम ही है 205/55 R16, टायर का जो रिम साइज है सेम है, लेकिन टायर का क्वालिटी इसमें अलग, इसमें गुडियर का आपको टायर दिया हुआ है। और वाइट वाला का जो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा है देखने में, तो आपको कौन सा पसंद है वो आप डिसाइड कीजिए। और अगर अरुणाचल प्रदेश से आप कहीं से भी है, आपको गाड़ी ख़रीदना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, डीलरशिप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ कांटेक्ट कीजिए। तो ये है रियर प्रोफाइल नॉन टर्बो वाला का एसएक्स, रियर से देखने में भी सेम है, आपको ऐसे ही कनेक्टिंग टेल लैम्प देखने को मिलेगा, बीच में वरना की बेजिंग, हुंडई की बेजिंग, एंड यहाँ पर डिफोगर हाई स्टॉप टेल लैम्प, सर्फिन एंटीना जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जो पैटर्न डिजाइन दिया हुआ है ये भी सेम है, आपको 4 सेंसर्स देखने को मिलेगा, रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे मिल जाता है, तो ओवरऑल रियर से सेम है। और ये है टर्बो वाला का, इसमें क्या डिफरेंट है आपको मैं दिखाना चाहूँगा, क्या डिफरेंट है, मुझे तो कुछ डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा है यहाँ में, आप लोग बताइए अगर वीडियो में कुछ आपको डिफरेंट लग रहा है। तो जो लाइट का शेप है वो भी सेम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ में, बेजिंग जो है वरना का वो भी सेम, सिग्नेचर बेजिंग भी सेम, या पर सिर्फ एक चीज़ आपको डिफरेंट नज़र आएगा, 1.5 टर्बो लिखा हुआ है यहाँ पर इंजिन, एंड बाकी ओवरऑल सेम है। यहाँ पर हाई स्टॉप टेल लैम्प, डिफोगर, सर्फिन एंटीना वगैरह सेम देखने को मिलता है। नीचे की तरफ जो पैटर्न जा रहा है ये भी सेम है, सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह सेम है। तो एक्सटीरियर प्राइस सभी मैं कवर कर चुका हूँ, अभी इंटीरियर में क्या क्या चीज़ चेंजेस है और इंजन में क्या चीज़ चेंज है वो मैं आपको बताऊँगा। तो इंटीरियर देखने से पहले साइड देखेगा, यहाँ पे आपको नॉन टर्बो में कुछ ऐसा आ रहा है, किले सेंट्री देखने को मिलेगा, क्रोम
हैंडल देखने को मिलता है एंड यहाँ पे भी कुछ लाइन क्रोम में दिया हुआ है। तो इंटीरियर ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको स्पीकर जो कि अरकामिस का स्पीकर दिया हुआ है, बोतल होल्डर दो देखने को मिलेगा, बाकी ओवरऑल पावर विंडो के स्विचेस वगैरह सेम ही है। एंड एयरबैग जो कि इसमें भी 6 एयरबैग मिलेगा आपको सेफ्टी के लिए। एंड बैठ के देखते हैं, बैठने पे ये देखिए स्टीयरिंग व्हील आपको राउंड शेप में नज़र आ रहा है, वो भी लेदर स्टिचिंग के साथ। क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल रहा है यहाँ पे भी, फ़ोन रिसीव कट, वॉल्यूम अप डाउन, इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल, जो कि जितना चीज़ है सब चीज़ मुझे ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ पे जो एम्बिएंट लाइट है वो भी ठीक है, सब वायरलेस चार्जर मिल रहा है नॉन टर्बो में भी, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक वाला। एंड जो एसी है क्लाइमेट ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल रहा है, मैनुअल 6 स्पीड दिया हुआ है। यहाँ से आप पार्किंग का जो यहाँ पे दिया हुआ है एंड यहाँ पे आप व्यू पीछे का देख सकते हैं, ये फीचर्स भी दिया हुआ है। एंड यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन आइडल स्टॉप, हेडलाइट लेबलिंग, पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप, लाइट का सेटिंग, वाइपर का सेटिंग सेम है। डे एंड नाइट IRBM देखने को मिलेगा, सनरूफ यहाँ भी मिल रहा है आपको सेम इलेक्ट्रिक सनरूफ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे रीडिंग लैंप जो है ये भी वाइट कलर में आपको देखने को मिलेगा LED में। एंड ओवरऑल जैसे भी देखिए मुझे सेम ही लग रहा है, आप वहाँ जाके डिफरेंट को एक बार देख लेगा कैसे है डिफरेंट क्या है। ग्लोब बॉक्स को भी एक बार देखते हैं, ग्लोब बॉक्स भी देखिए कूल ग्लोब बॉक्स मिल रहे हैं हमें भी, और उसमें भी देख लेगा टर्बो वाला में भी एक बार। यहाँ आर्मरेस्ट देखने को मिल रहा है, कप होल्डर मिल रहा है, हैंड ब्रेक मैनुअल में है एंड आर्मरेस्ट के नीचे छोटा सा स्टोरेज भी मिल रहा है आपको। तो ओवरऑल जितना भी फीचर्स है आप देख लिया, कुछ अगर हमसे छूट रहे तो आप बताइए मुझे वीडियो में। यहाँ पे ट्विटर की सेटिंग भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए स्विचेस आपको ORBM कंट्रोल राइट, ये यहाँ पे सेंट्रल लॉक, पावर विंडो को स्विचेस, ये आपको सब कुछ देखने को मिल जा रहा है। चलिए तो ये जो टर्बो वाला है इसका भी देख लेगा, कीलेस एंट्री मिल रहा है, इसमें भी आपको ORBM टर्न इंडिकेटर मिल रहा है और यहाँ पे भी सेम आपको क्रोम फिनिशिंग में डोर हैंडल देखने को मिलता है। तो खोल के देखते हैं, खोलेंगे तो देखिए इंटीरियर इसमें आपको ब्लैक देखने को मिल रहा है, उसमें आपको वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा था, ये एक डिफरेंट था। एंड यहाँ पे भी सेम अरकामिस का ही आपको साउंड सिस्टम मिल रहा है, पावर विंडो के स्विचेस वगैरह आपको सेम ही देखने को मिलेगा। एंड बैठ के देखते हैं, इसमें थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसको मिला लेते हैं। एंड ये देखिए राउंड शेप सेम आपको स्टीयरिंग देखने को मिल रहा है, टिल्ट स्टीयरिंग इसमें भी है उसमें भी है, टेलीस्कोपिक है कि नहीं मैं देखता हूँ, टिल्ट तो है, टेलीस्कोपिक भी मिल रहा है, दोनों में ही आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाएगा, तो ये ठीक है। एंड इसमें आपको सेम ही मॉडल है लेकिन इसमें आपको ब्लू लिंक मिल रहा है, ये देखिए ब्लू लिंक, ब्लू लिंक का फीचर्स हुंडई कनेक्टेड फीचर्स है, ये आपको देखने को मिल रहा है। एंड क्योंकि प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है, वायरलेस चार्जर, पार्किंग व्यू, ड्राइव मोड भी मिल रहा है इसमें जो कि नॉन टर्बो में ड्राइव मोड नहीं है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल रहा है एंड जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो साइज़ वगैरह आपको बिल्कुल सेम टू सेम देखने मिलेगा, एम्बिएंट लाइट वगैरह। एंड यहाँ पे ग्लोब बॉक्स, यहाँ पे भी आपको कूल ग्लोब बॉक्स ही देखने को मिलता है। यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्म रेस्ट स्लाइडेबल विथ, आपको यहाँ पे छोटा सा स्टोरेज मिल जाता है। ऊपर की तरफ भी आपको सेम है, रीडिंग लैंप्स LED में मिलता है, सनरूफ इलेक्ट्रिक सनरूफ ही देखने को मिलता है। यहाँ पे इंजन आइडल स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह फीचर्स मिल जाते हैं, पुश बटन स्टॉप एंड स्टार्ट, ये भी मैनुअली है 6 स्पीड लेकिन टर्बो इंजन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है पेन ड्राइव के लिए, यहाँ भी एक आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। तो ओवरऑल सेम है, कुछ कुछ चीज़ को छोड़ के, जैसे कि यहाँ पे ड्राइव मोड आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको ड्राइव मोड के साथ ब्लू लिंक का फीचर्स मिल रहा है एक्स्ट्रा, और इंटीरियर का कलर थोड़ा अलग है, पूरा ब्लैक दिया हुआ है, ब्लैक एंड बीच में रेड का कॉम्बिनेशन है। इसमें भी सेफ्टी फीचर्स आपको हिल स्टार्ट असिस्ट एंड ABS EBD 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट का जो हेडरेस्ट है वो भी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, वो तो नॉर्मली नॉन टर्बो में भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए
जो नॉन टर्बो है उसका रियर सीट में कैसे है उसको देख लीजिए एक बार। ये नॉन टर्बो है, इसका रियर सीट में क्या क्या देखने को मिलेगा उसको देख लीजिए एक बार। खोलते ही इसमें पावर विंडो स्विचेस देखिए, ड्यूल टोन कलर के साथ है। इसको आप थोड़ा साफ से रखना होगा कलर, या तो सीट कवर वगैरह आप चराना होगा। तो बैठ के देखते हैं, बैठ के देखें नीचे। स्पेस तो आप बोलिए मत, क्या ज़बरदस्त स्पेस दिया हुआ है अंदर। बहुत बड़ा आपको स्पेस देखने को मिलेगा, आप काफ़ी लंबा आदमी भी काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे रियर एसी बैंड, स्टोरेज एंड टाइप सी का जो चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे ओवरऑल लुक्स कुछ ऐसा है फ्रंट का। यहाँ पे जो रीडिंग लैंप्स मिल रहा है ये भी एलईडी में मिल रहा है। एंड ये देखिए आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड रियर में भी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए हेड एडजस्ट कर सकते हैं जो आपका हेडरेस्ट को। तो ये है टर्बो वाला, टर्बो का अभी रियर सीट में कैसा है देखने में और क्या क्या फीचर्स है उससे एक बार देख लेते हैं। तो खोलते ही ये तो पहले का, जैसे आपको अगर ब्लैक पसंद है तो ये पूरा ब्लैक इंटीरियर आपको दिया हुआ है, अंदर बैलून्स रखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले बैठते ही यहाँ पे भी सेम एसी बैंड्स, टाइप सी का चार्जिंग पॉइंट, स्टोरेज वगैरह तो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जो स्पेस वगैरह तो बिल्कुल आपको सेम ही देखने को मिलेगा। फ्रंट का लुक्स कुछ ऐसा है, काफ़ी खूबसूरत प्रीमियम बीएमडब्ल्यू कंसेप्ट ने बनाया हुआ है गाड़ी। ऊपर की तरफ ये भी एलईडी में आपको रीडिंग लैंप मिल रहा है। एंड यहाँ पर आपको हेड एडजस्टेबल भी मिल रहा है जो कि हेड रेस्ट है। एंड यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, ये देखिए कप होल्डर थोड़ा प्लास्टिक का अंदर है, कप होल्डर विथ आर्मरेस्ट। तो ओवरऑल फीचर्स वाइज में तो सेम ही है। तो अभी इंजन का बात करेगा, इंजन इसमें कौन सा आ रहा है और नॉन टर्बो में कौन सा आ रहा है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर आपका कोई फ्रेंड्स में या तो फैमिली में कोई गाड़ी लेने के लिए सोच रहा है तो ये दोनों में अगर थोड़ा आप समझ में नहीं आ रहा है कौन सा लेना चाहिए तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और ये देखिए की दोनों टर्बो और नॉन टर्बो दोनों का की आप सेम ही नज़र आएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं है ये दोनों में, ये देखिए। तो फाइनली कंक्लूजन में इसका इंजन में बता देता हूँ, जो ये है नॉन टर्बो, नॉन टर्बो जो कि आपका 1500 सीसी और 115 पीएस निकाल के देता है 14.7 केजीएम टॉर्क के साथ। और यहाँ पे आपका टर्बो इंजन मॉडल से है एसएक्स, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको बता चुका है प्राइस, डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्राइस हाईलाइट कर दूंगा। तो इसका आपको इंजन पावर तो सेम ही मिलेगा, 1500 सीसी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आपको 160 पीएस देखने को मिलेगा एंड 25.8 केजीएम का टॉर्क देखने मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा पावर और ज़्यादा पावर देखने को मिलेगा वही होगा। आप लोग अभी तक वीडियो मेरा देखा है तो काफ़ी शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और मुझे बताइए कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।